आज हम लोग आए हुए हैं फिर चार जो रेस्टोरेंट, ये बफेट है वेज और नॉन वेज का। ये रेस्टोरेंट महादेवपुरा में है और इसका मैंने रिव्यू देखा था तो काफ़ी अच्छा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे खा के कि क्या टेस्ट है और कितना वेराइटी है। बाहर से मुझे रेस्टोरेंट बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, काफ़ी छोटा लगा, बट अंदर से ये अच्छा है। तो अब मैं रेस्टोरेंट के अंदर चलती हूँ। ये एंट्रेंस में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा सा लाइटिंग है एंट्रेंस के पास। ये एंट्रेंस के पास ही स्वीट केक रखे हुए हैं और यहाँ पे जलेबी बनाएंगे और ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं जलेबी बनाने के लिए। मैं जल्दी इस रेस्टोरेंट में आ गई हूँ क्योंकि मैं 12 बजे का स्लॉट को बुक की थी। और यहाँ पे आइसक्रीम का भी काफ़ी वैरायटी है। यहाँ पे स्टोन आइसक्रीम भी है, पान आइसक्रीम भी है और ये देखिए चाट काउंटर जहाँ पे काफ़ी वैरायटी है चाट का, पानी पूरी का, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भेलपूरी का भी है, ये सुशी रखा हुआ है, सुशी में भी 2 से 3 आइटम है यहाँ पे। यहाँ पे मोमो स्टीम हो रहा है और ये सैलेड बनाने के लिए यहाँ पे कॉर्न मशरूम और भी काफ़ी चीज़ है और यहाँ पे शायद रैबिट भी रहते हैं, प्रॉन भी रखा हुआ है, आई थिंक कॉर्नर वाला रैबिट है। और ये पिज़्ज़ा काउंटर है, यहाँ पे पिज़्ज़ा का 3 से 4 मेन्यू है, जो भी पसंद आए आप इन्हें दे दो और ये आपके सामने पिज़्ज़ा को बनाते हैं। और यहाँ पे ये सब पास्ता का आइटम रखा हुआ है, ये यहाँ पे सूप बना रहे हैं और पास्ता का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अब यहाँ पे काफ़ी टाइप का मिनी केक है और यहाँ पे सीजनल फ्रूट्स है, ये सब कट करके रखा हुआ है। रेस्टोरेंट में इंटर करने के साथ मैं आपको ये सब स्टार्टर दिखा दी क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही रखा हुआ था। और अब चलते हैं टेबल के साइड। अब मैं आप लोग के साथ इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस शेयर कर रही हूँ। फिलहाल तो इस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है, हम लोग काफ़ी जल्दी आ चुके हैं, जल्दी भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग लंच टाइम पे आए हुए हैं। अब शायद थोड़ी देर के बाद काफ़ी क्राउड हो जाएगा तो देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। वैरायटी तो काफ़ी है, अब वैरायटी के साथ आइटम भी देखते हैं कि लोग कितना देते हैं और क्या टेस्ट है। दोनों साइड काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा लिस्ट बना हुआ है तो अब खाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या टेस्ट है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एम्बियंस दिख रहा है, ये आई थिंक फ्रंट का व्यू है। ये चाट पानी पूरी और सुशी का काउंटर है, यहाँ पे मेन कोर्स है, यहाँ से मेन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। मेन कोर्स में सबसे पहले सूप रखा हुआ है, ये चिकन सूप और टमाटर सूप। ये मटन कोसा और चिकन का आइटम है, देख के तो काफ़ी यम्मी लग रहा है। और ये क्या है, ये क्रैब ग्रेवी है। ये तो मैं नहीं खाती हूँ। आगे भी देख लेते हैं क्या क्या रखा हुआ है। ये सैलेड बना हुआ है, 2 तरह का सैलेड है और यहाँ पे भी सैलेड का ही आइटम रखा हुआ है, आप इसे खुद से अपने अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पे कर्ड राइस मिक्स रायता भी है। अभी तो मेन कोर्स अच्छे से अरेंज नहीं किया हुआ है, कुछ कुछ ही आइटम रखे हुए हैं।
हमारा 12 बजे का टाइमिंग था इस रेस्टोरेंट में, बट हम लोग आधा घंटा लेट आए हुए हैं, फिर भी अभी तक कुछ भी क्राउड नहीं है। तो अब ये शायद धीरे धीरे करके सब फूड को अरेंज करके रखेंगे। मैं चलती हूँ सूप को ट्राई करने के लिए, मैं किस बात का वेट करूँ। तो इसने ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक देके इसे टेस्ट करती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। सूप का टेस्ट तो अच्छा है, और यहाँ सूप पीते पीते कुछ स्टार्टर आ गया है जिसमें मैंने सुशी लिया है, चिकन है, चना का कबाब है, और ग्रिल चिकन है, पाइनएप्पल है, मटन सीख कबाब है। तो इसे मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। देखकर तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, तो बहुत से खाना देख के अच्छा नहीं लगता है बट खाने के बाद उसका टेस्ट मालूम पड़ता है कि अच्छा है या नहीं है। बट मोस्टली मेरा स्टार्टर कंप्लीट हो चुका है तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब चलते हैं पानी पूरी के काउंटर पे। तो मैं यहाँ पे दही पानी पूरी बनवा रही हूँ, इसे मैं अपने टेबल पे ही लेके जाऊँगी। ये आई थिंक ग्रीन चटनी इन्होंने डाला है, थोड़ा सा इमली का चटनी है, और ये दही डाल रहे हैं। दही डालने का तरीका तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा है। तो यहाँ पे दही पूरी मेरा बन के रेडी हो गया है, तो चलते हैं मोमो काउंटर पे। तो यहाँ पे मैंने चिकन डम्पलिंग लिए है, डम्पलिंग के साथ मैं यहाँ पे सिजवान चटनी ली हूँ। चलते हैं पिज़्ज़ा काउंटर पे। तो मैंने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है जो मेरे सामने वो बना रहे हैं। एक एक चीज़ सामने बनाया हुआ है, पिज़्ज़ा का बेस भी, और मैं इसे लाइव देख रही हूँ खड़ा होके। अपने अनुसार जो भी आपको ज़्यादा कम कराना है वो करवा सकते हो। और ये देखिए इनका ट्रेडिशनल ओवन है, नीचे रखा हुआ है लकड़ी, और शायद कुछ पिज़्ज़ा बन के आ चुका है। नहीं 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 ये पिज़्ज़ा का बेस है। अच्छा, बेस पहले बना के रखते हैं, उसके बाद जैसे भी ऑर्डर आए ये फ्लिंग करके उसमें डाल देते हैं। आई थिंक 10 से 15 मिनट तक ये बेक होता है। अच्छा, इसे भी फुल ओवन की तरह कवर कर दिया जाता है। और देखिए इसमें एक घड़ी लगा हुआ है जिससे कि ये लोग टाइम को मैनेज करके पिज़्ज़ा को बेक करते हैं। और यहाँ पे पिज़्ज़ा को कट किया जा रहा है, ये दूसरे लोग का है, यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस के भी आए हुए थे, तो उनका लंबा चौड़ा ग्रुप था जिनका ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है। मेरा पिज़्ज़ा जब तक बेक हो रहा है तब तक चलते हैं आइसक्रीम के काउंटर पे। तो यहाँ पे मैंने वेनिला आइसक्रीम लिया है। मैं प्लेट लेके खड़ी हूँ कि भाई मुझे जल्दी दे दो आइसक्रीम, मुझे खाना है, फाइनली आ चुका है। चलते हैं आइसक्रीम लेके और एक बार पिज़्ज़ा को भी देख लेते हैं। पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है, मेरे हस्बैंड जाके लेके आ गए थे। देख के काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, चीज़ भी काफ़ी अच्छे से फिलिंग किया हुआ है। और मैं यहाँ पे कुछ मेन कोर्स लेके आ गई हूँ। मेन कोर्स में मैंने चाउमीन लिया है, क्रीमी बैगन है, मटन है, चिकन है, बिरयानी है,
और यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न है। वेटर ने आके जबरदस्ती दे दिया कि मैम ये गर्मा गर्म अभी फ्राई हुआ है, आप इसे खाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा। मेन कोर्स कंप्लीट हो गया है तो फाइनली मैं डेजर्ट पे आ गई हूँ, जिसमें काफ़ी सारा गुलाब जामुन लिया है मैंने, केक लिया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का केक है, और ये एक कटोरी में स्टोन आइसक्रीम है जिसे मैं पर्सनली बनवाई थी। वहाँ पे स्टोन आइसक्रीम भी मिलता है जो कि काफ़ी टेस्टी था। मैं पिस्ता काजू वाला आइसक्रीम बनवाई थी, ये काफ़ी टेस्टी लगा मुझे। हमारा बफेट कंप्लीट हो चुका है तो जब तक बिल आ रहा है तब तक हम लोग कुछ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा, कुछ मेमोरी भी क्लिक हो जाएगा। खाना काफ़ी अच्छा था, पेट भर के खाया, बट जितना मेन्यू था उतना आइटम इन्होंने दिया नहीं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।